हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। आज हम करने वाले हैं उपलब्धि परीक्षण का टॉपिक, जिसे कहते हैं निष्पत्ति परीक्षण। ठीक है, तो यदि उपलब्धि परीक्षण हो या निष्पत्ति परीक्षण, दोनों का एक ही अर्थ होता है। तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, तो इनसे आपका ये भी पता लगेगा उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, क्या विशेषताएं होती हैं, कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सब कुछ पता लगेगा, तो ध्यान से सुनना है आपको। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ कि उपलब्धि परीक्षण होता क्या है। जो छात्र होते हैं वो स्कूल में रहकर, विद्यालय में रहकर जो सीखता है, तो उसे क्या कहते हैं, उपलब्धि या निष्पत्ति। और जब हम इसकी जांच के लिए परीक्षाएं आयोजित करते हैं, तो उसको कहते हैं उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा सरल शब्दों में कि उपलब्धि परीक्षण जो है, कोई भी विद्यार्थी जो होता है विद्यालय में रहकर जो कुछ गेन करता है, उसकी जांच के लिए हम जो परीक्षाएं लेते हैं, वही क्या कहलाती है, उपलब्धि परीक्षण। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है, उपलब्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है वर्गीकरण करने के लिए, श्रेणी विभाजन के लिए, शिक्षक की कठिनाई का निदान करने के लिए या शैक्षिक निर्देशन के लिए। तो उपलब्धि परीक्षण का उपयोग कहाँ नहीं होता है, इन चारों में से सही आंसर पहले आप सोचिए, फिर मैं आपको बताऊंगी इसका सही आंसर। तो फटाफट से सोचा होगा आपने इसका सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, किसका उपयोग जो है वह शिक्षक की कठिनाई का निदान करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। यह किस लिए किया जाता है उपलब्धि परीक्षण, कि बच्चे ने क्या सीखा है उसका कर सकते हैं हम मापन, फिर उसका वर्गीकरण, श्रेणी विभाजन, शैक्षिक निर्देशन, यहां पर उपलब्धि परीक्षण उपयोगी होता है। निम्नलिखित में से उपलब्धि निर्माण का चरण नहीं है, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, शैक्षणिक उद्देश्य लिखना, प्रश्न निर्माण या समंकन योजना। उपलब्धि निर्माण का चरण नहीं है, तो सोचिए इसका सही आंसर। यहाँ जो सही आंसर है वो क्या है, यहाँ है कि छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, ये उपलब्धि निर्माण का चरण नहीं है। ये तो किसका है, निदानात्मक परीक्षण का, जो हम पहले कर भी चुके हैं। इसके अलावा ये तीनों चरण उपलब्धि निर्माण के हैं, इनकी सिक्वेंस में या क्रम में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है उपलब्धि निर्माण में, उपलब्धि परीक्षण में, कि सबसे पहले उद्देश्य जो होते हैं वो निश्चित किए जाते हैं। उसके बाद अभिकल्पना निर्धारण होता है, जिसमें हम शिक्षण उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार, पाठ्यक्रम के आधार पर अंक निर्धारित करना, ये करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं रूपरेखा तैयार, जिसे हम नील पत्र भी कहते हैं, ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम प्रश्न पत्र तैयार, प्रश्न का निर्माण, और लास्ट में करते हैं हम जांच कार्य। तो हमने क्या बताया, सबसे पहले उद्देश्य निश्चित करेंगे, फिर अभिकल्प निर्धारण करेंगे, फिर रूपरेखा या नील पत्र तैयार करेंगे, फिर प्रश्न निर्माण करेंगे, और अंत में करेंगे जांच कार्य। क्वेश्चन 3 देखिए, उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाई का निर्धारण करना या उपरोक्त सभी। तो जो समंकन योजना है उसका क्या अर्थ है, तो यहाँ पर समंकन योजना जो होती है उसका अर्थ होता है निर्णय संबंधी असंगति दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना और छात्रों की कठिनाई का निर्धारण करना। ये सभी जो है उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने के उद्देश्य हैं, जो कि मैंने आपको बताया था किसमें, अभिकल्पना निर्धारण के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, उपलब्धि परीक्षण के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का अभाव नहीं रहता है, क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है या वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है। तो देखिए, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं, इनको इग्नोर ना करें, क्योंकि ऐसा सोचिए आपको अगर ये ही पता लग जाएगा अर्थ,
कि ये क्या है, तो इससे संबंधित कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप उनको अप्लाई कर सकते हो, और 10-12 मार्क्स जो हैं वो आपके फ्री के ही होते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इनको इग्नोर नहीं करना है आपको, कि हमें तो अध्ययन जो है सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधियां सभी आती हैं, इनको पढ़ के ही आपको एग्जाम में जाना है। तो क्या होगा इनमें उपयुक्त तो कौन सा नहीं होगा उपलब्धि परीक्षण के बारे में, तो यहाँ आंसर रहेगा वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है, यह उपलब्धि परीक्षण के संबंध में सही नहीं है। तो सही क्या है कि मौखिक परीक्षा में पक्षपात की आशंका रहती है, बिल्कुल रहती है। जो बच्चा अच्छे से अपनी अभिव्यक्ति दे पाएगा उससे बहुत अच्छे से टीचर पूछेगा, और जो नहीं दे पाएगा उनको इग्नोर भी किया जा सकता है, तो यहाँ पक्षपात की आशंका रहती है। निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता का अभाव नहीं रहता है, ठीक है, पूरा डिटेल में ही वहां पर बच्चा अपनी अभिव्यक्ति करता है। क्रियात्मक परीक्षाओं में शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है, क्योंकि क्रियात्मक परीक्षाएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं, करने वाली होती हैं, कुछ करके दिखाया जाता है, तो वहां शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता है। तो यहाँ पर उपलब्धि परीक्षण के संबंध में वस्तुनिष्ठ परीक्षा में मौलिकता का विकास होता है, यह नहीं है। हिंदी शिक्षण में उपलब्धि की जांच की जा सकती है, कैसे, बुद्धि परीक्षण से, निबंधात्मक प्रश्नों से, प्रोजेक्टिव परीक्षण से, या उपलब्धि परीक्षण से। तो यहाँ पर बात सीधी सी दिखाई दे रही है, जांच किसकी हो रही है, उपलब्धि की, ठीक है। तो कोई भी शिक्षण हो वहां उपलब्धि की यदि जांच हो रही है तो वह तो उपलब्धि परीक्षण से ही संभव है। निम्न में से सही क्रम क्या है, निष्पत्ति परीक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण, तो चारों ही ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पर सही क्रम क्या होगा। सबसे पहले जो है वह क्या होगा, कौन सा परीक्षण होगा, अंत में कौन सा शिक्षण या परीक्षण होगा। तो देखिए हम लोग पहले निदानात्मक परीक्षण समझ चुके हैं, उपचारात्मक समझ चुके हैं, अब हम निष्पत्ति परीक्षण जिसे हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं ये समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर क्या रहेगा, तो आप बताइए इसका सही आंसर, आप लोगों ने इतना पढ़ लिया है तो चलिए देखते हैं किस किस ने सही आंसर दिया है। यहाँ आंसर रहने वाला है, देखिए सबसे पहले क्या होता है कि टीचर द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो प्रोसेस है वो चलाया जाता है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, ठीक है। उसके बाद होता है निष्पत्ति परीक्षण यानी उपलब्धि परीक्षण, उससे पता लग जाता है बच्चे की कमियां, ठीक है। उसके बाद होता है निदानात्मक परीक्षण, फिर हमें कमियों की पहचान करनी होती है कि उसने जो गलतियां की हैं उसके कम मार्क्स जो हैं वो क्यों आए हैं, वो पिछड़ क्यों गया है। उपलब्धि परीक्षण से तो हमने ये जाना कि उसने क्या सीखा या क्या नहीं सीखा, उसकी कमियों का पता हमने निदानात्मक परीक्षण से लगाया, और अंत में हमने क्या किया, उसे ऐसी रेमेडी दी, ऐसा उपचार किया उसका जिससे कि उसकी कमियों जो है उसकी भरपाई हो सके, जहां भी कमी थी उसके लिए उसे अलग से टीचिंग दी गई। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण प्रमापीकृत परीक्षण नहीं है, बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण या अवलोकन। तो इसमें से प्रमापीकृत परीक्षण कौन सा नहीं है, तो यहां पर जो आंसर रहने वाला है प्रमापीकृत परीक्षण में, तो देखिए प्रमापीकृत परीक्षण में आता है बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण, ठीक है। तो ये प्रमापीकृत परीक्षण क्या होता है, तो ये जो परीक्षण होते हैं इसके परीक्षण के निश्चित नियम होते हैं, सिद्धांत होते हैं, इसका निर्माण जो है वो विशेषज्ञों द्वारा, ठीक है, विशेषज्ञों के समूह द्वारा किया जाता है। वहीं पर हम दूसरी बात करें यदि अप्रमापीकृत परीक्षण की, तो वो तो शिक्षक निर्मित परीक्षण होते हैं जो हमारे स्कूल में शिक्षक द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उनमें आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों प्रकार के होते हैं वो, ठीक है। सामान्य रूप से अगर बात करें तो जो टीचर होता है उसके द्वारा सभी विषयों का परीक्षण के लिए जो टेस्ट तैयार किया जाता है वो अप्रमापीकृत परीक्षण होता है, तो ये चीज थोड़ा सा आप याद रखिएगा। और इसके अलावा प्रमापीकृत परीक्षण जो है वो चाहे पूरा देश हो या राज्य हो, उनके जितने भी स्कूल हो यहाँ पर पढ़ाए जाने वाले समान पाठ्यक्रम पर आधारित होगा, और वहीं पर जो अप्रमापीकृत है वो टीचर ने बनाया है तो किसी विशिष्ट विद्यालय या कक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाएगा, ठीक है। तो प्रमापीकृत का दायरा तो काफी बड़ा है और अप्रमापीकृत का छोटा। नेक्स्ट है
प्रश्न पत्र निर्माण करने से पहले निम्नलिखित में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? नील पत्र को, पूरक पत्र, पुस्तक को, पाठ्यक्रम को या प्रश्नों के प्रकार को? तो प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पहले क्या तैयार किया जाएगा? तो मैंने अभी आपको जब चरण बताए थे तो उसमें बताए थे कि प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पहले नील पत्र तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, कितने उपलब्धि परीक्षाओं को मानकीकृत या शिक्षक निर्मित परीक्षा में वर्गीकृत प्रस्तुत किया है? तो उपलब्धि परीक्षण दो टाइप की होती है, मानकीकृत जिसे हम प्रमापीकृत कह रहे थे या शिक्षक निर्मित जिसे हम अप्रमापीकृत कहते हैं। इसका वर्गीकरण किसने किया? डगलस व हॉलैंड ने, मॉरिसन व सिम्पसन ने, बर्नन व बर्ट ने या इनमें से कोई नहीं? इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, तो याद रखिएगा कि प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत इस परीक्षण में वर्गीकृत जो है वह करने वाले डगलस व हॉलैंड। ठीक है, तो प्रमापीकृत का मानकीकृत पूछा जा सकता है या शिक्षक निर्मित परीक्षण को अप्रमापीकृत भी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, उपलब्धि परीक्षण की मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए, शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर बनाया जाए, विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में सक्षम हो या उपरोक्त सभी। तो जो उपलब्धि परीक्षण होगा उसमें हम क्या क्या ध्यान में रखेंगे? तो जो टेस्ट होते हैं जिसमें हम उपलब्धि की जांच करते हैं, तो यहाँ आंसर होगा उपरोक्त सभी। शिक्षण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा, पाठ्यक्रम को भी ध्यान में रखा जाएगा और विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में भी वो सक्षम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किया जाने वाला परीक्षण कहलाता है। तो वो कैसा परीक्षण कहलाता है? उपलब्धि परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो बहुत अच्छे से क्लियर किया था मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कि इसका आंसर होगा उपलब्धि परीक्षण, जो कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पढ़ाने के बाद छात्रों द्वारा ग्रहण किए गए कितना उन्होंने अधिगम किया इसकी जांच के लिए जो परीक्षण होगा वो होगा उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त करना, छात्रों की श्रेणियों में निर्धारित करना, अध्यापक द्वारा कराए गए शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगाना या उपरोक्त सभी। तो क्या उद्देश्य होगा एक उपलब्धि या निष्पत्ति परीक्षण का? तो उपलब्धि परीक्षण का उद्देश्य जो है वह होगा उपरोक्त सभी, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण के उद्देश्य प्राप्त करना, छात्रों की श्रेणियों में विभाग निर्धारित करना, अध्यापक द्वारा कराए गए शिक्षण की प्रभावशीलता का पता लगाना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 13, डगलस व हॉलैंड के अनुसार शिक्षक निर्मित परीक्षण नहीं होता है। तो मैंने आपको बताया डगलस और हॉलैंड ने परीक्षण दो प्रकार के बताए, उपलब्धि परीक्षण दो टाइप के होते हैं, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। प्रमापीकृत जो कि विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होते हैं, वहीं पर अप्रमापीकृत शिक्षक निर्मित होते हैं। ठीक है, चलिए, तो शिक्षक निर्मित परीक्षण नहीं होता है, प्रमापीकृत परीक्षण, आत्मनिष्ठ परीक्षण, लिखित परीक्षण या वस्तुनिष्ठ परीक्षण? तो आंसर क्या रहने वाला है? तो बिल्कुल आंसर बिल्कुल ही एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि प्रमापीकृत परीक्षण जो है वो शिक्षक निर्मित परीक्षण नहीं होता है। और इसके अलावा आत्मनिष्ठ परीक्षण, लिखित परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण, ये तो एक शिक्षक निर्मित परीक्षण होता है। किसके अनुसार? डगलस व हॉलैंड के अनुसार। निष्पत्ति परीक्षण है उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण या इनमें से कोई नहीं? तो अब तक तो ये चीज इतनी क्लियर हो चुकी है कि फटाफट से आंसर जो है वो लगा दीजिए, निष्पत्ति परीक्षण क्या है। बिल्कुल एकदम सही, निष्पत्ति परीक्षण उपलब्धि परीक्षण है। विद्यार्थी द्वारा विद्यालय में सीखे हुए का परीक्षण को क्या कहा जाता है? विद्यार्थी द्वारा विद्यालय में जो सीखा उस परीक्षण को क्या कहेंगे? उपचारात्मक, निदानात्मक, निष्पत्ति परीक्षण या इनमें से कोई नहीं? निष्पत्ति या उपलब्धि परीक्षण। तो इन 15 क्वेश्चन में से आपने कितने किए? ये सभी के सभी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऐसे ही दोबारा से पूछे जाएंगे। कंसेप्ट वही रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि चीजें ही बदल जाएंगी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। इसी से संबंधित कैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, आ सकता है,
चीजें आप याद रखिएगा। मिलते हैं इसी तरीके से तैयारी के साथ। थैंक यू।